इतिहास के पिछले पन्ने खंगाले जाए तो जाति व धर्म के मध्य वैमनस्य हमेशा रहा मिलेगा। हिंदुओं और मुसलमानों में एक से अधिक पत्नियां रखने का रिवाज था, किंतु मुगल काल में बादशाह व क्षेत्रीय हिंदू राजाओं के मध्य वैमनस्य चरम पर था। मुगल ये समझ चुके थे कि अगर हिंदुस्तान में शासन करना है तो हिंदुओं के साथ तालमेल से चलना होगा। यही कारण है कि मुगल बादशाहों ने सांस्कृतिक सद्भाव के लिए हिंदू राजाओं के यहाँ शादियां करना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि यह सब इतना आसान था। पहले दबाव बनाया जाता, फिर मजबूर कर प्रस्ताव भेजे जाते। धर्मांतरण एक ऑप्शन था। ऐसा करने से क्षेत्रीय नियंत्रण व आपसी संबंध मजबूत होते। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने दिल्ली की सत्ता के विरुद्ध जंग छेड़ रखी थी। मुसलमान अजीत सिंह से नाखुश हो गए। अजीत सिंह ने अजमेर से दरबारी शासकों को हटा कब्जा कर लिया। इस पर फर्रुख सिंह नाराज हो गया और उसने अजीत सिंह के विरुद्ध कार्यवाही का निर्णय लिया। उसने अपने सेनापति भेज अजीत सिंह पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सैनिक दबाव बनता देख अजीत सिंह ने संधि कर ली। समझौते के तहत राजा अजीत सिंह अपनी एक पुत्री इंद्र कंवर की शादी हिंदू व मुस्लिम रीति रिवाज से फर्रुखसिंह से करने को तैयार हो गया। शर्तानुसार पुत्र अभय सिंह को दिल्ली दरबार में उपस्थित करवाया। इंद्र कंवर को दिल्ली लाया गया। दिल्ली दरबार को बखूबी सजाया गया। फर्रुख सिंह और इंद्र कंवर की हिंदू व मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों से धूमधाम से शादी संपन्न कराई गई। इंद्र कंवर को इस्लाम में दीक्षित कर लिया गया, लेकिन फर्रुख सिंह की मृत्यु के बाद सैयद भाइयों ने उसे अपने मूल हिंदू धर्म अपनाने की इजाजत दी। उसे बाइज्जत धन संपत्ति देकर अपने पिता के पास भेज दिया। राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री महल में वापस स्वीकार की। काजियों ने इस कृत्य की तीव्र आलोचना की, लेकिन इतिहास में ऐसे धर्म परिवर्तन का अन्य उदाहरण नहीं मिलता। बाद में रणनीति के तहत मुगल बादशाहों, हिंदू राजाओं व नवाबों ने ऐसे विवाह किए जिसमें मुसलमान बादशाहों ने हिंदू व हिंदू राजाओं ने मुस्लिम लड़कियों से ससम्मान विवाह कर ताउम्र निर्वाहन किया। हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय के ऐसे उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। मोहम्मद खां उस समय फर्रुख सियार का बहुत बड़ा भरोसेमंद था। 1714 में फर्रुखाबाद बसाने के बाद यही समन्वय गंगा जमुनी तहजीब के रूप में सामने आया, जो आज भी जारी है। कुछ ऐसे और वाक्य जो आज इतिहास बन गए हैं। पेशवा बाजी राव ने मस्तानी से विवाह किया, जन्मे पुत्र का नाम शमशेर बहादुर रखा। पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने दो मुस्लिम महिलाओं मोरान व गुलबेगम से विवाह किया। इतना ही नहीं, रणजीत सिंह ने मोरान के लिए महल में एक मस्जिद बनवाकर धर्मनिरपेक्षता का परिचय दिया। कामभक्ष ने मनोहरपुर के राजा अमरचंद की पुत्री कल्याण कौर से विवाह किया। कहते हैं शाह आलम ने ही हिंदू त्योहारों को धूमधाम से मनाना शुरू किया। यही नहीं, किसी भी शुभ कार्य के पहले ब्राह्मणों से सत्यनारायण की पूजा करवाते। हैदर अली जगतगुरु शंकराचार्य का भक्त था। ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जब हिंदू मुस्लिम विवाह संपन्न होते थे। वह एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया करते थे। गंगा जमुनी प्रथाओं के ऐसे उदाहरण आज भी मौजूद है।